खबर जनपद उधम सिंह नगर के विरुद्धपुर से है, जहां भदईपुरा पावर हाउस में बीएल पार्टी की वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि विगत दिनों भदईपुरा पावर हाउस में सप्लाई लाइन में खराबी आई थी, जिसके चलते आसपास की कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी और उसी दौरान देर रात को अचानक कॉलोनी के कुछ लोग पावर हाउस पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीएल की वीडियो बनाई और विद्युत कर्मियों पर बीएल पार्टी करने का आरोप मढ़ दिया। जबकि सत्यता यह है कि बीएल का इस्तेमाल विद्युत तारों पर जमने वाली कार्बन को हटाने के लिए किया जाता है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने से कर्मचारियों की छवि धूमिल हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में बिजली विभाग के लाइनमैन और फील्ड कर्मी रुद्रपुर डिवीजन कार्यालय भदईपुरा में इकट्ठा हुए और मामले की आधिकारिक जांच की बात कही। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह है कि रात के 12 बजे हमारे सर्किल बिजली घर में फॉल्ट होता है, जिसमें केबल बक्सा बर्स्ट हो जाता है। तो अवर अभियंता महोदय हमारे साथी साबुद्दीन को फ़ोन करते हैं कि आप आइए और इसको सही करिए। तो ये अपने साथियों को फ़ोन करते हैं कि आप उसके लिए जो ज़रूरी साधन है, सामान है, ब्लो लैंप होता है, कंच की बोतल होती है, उसको साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ हाईटेक व्यवस्था पर अभी ऐसी है नहीं, उसको जो केबल बक्सा होता है हमारा उसको साफ करने के लिए कांच की बोतलों की इस्तेमाल किया जाता है। ये वहाँ आते हैं, वहाँ पे कांच बीएल दो तीन किनारे रखी रहती है। तो कौशल्या कॉलोनी के दो चार लड़के आते हैं और उन बोतलों को लाते, सीधा ये बोलते कि तुम दारू किए हुए हो और इनके आरोप लगाने, आपने वीडियो में देखा भी होगा कि ये बोले कौन दारू पिया हुआ है और उस वीडियो को वायरल कर देते हैं कि तुम दारू पी रहे हो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, जिससे कि ये हमारे साथी और विभाग की छवि जो धूमिल हुई और ख़राब हुई है, उसी के विरोध स्वरूप हम यहाँ पे सारे साथी इकट्ठा हुए हैं और अपना जो आक्रोश है वो अपने मैनेजमेंट को पहुँचाने के लिए कि जो हमारे साथ जो ये घटना हुई है वो आइंदा ना हो और इस पर जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ़ उचित कार्रवाई करें, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए।